नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। हर साल चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं सौभाग्यवती की कामना के लिए गणगौर माता यानी माता गौरा की पूजा करती हैं। इस बार गणगौर तीज 15 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार को मनाई जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं गणगौर पूजा विधि। गणगौर तृतीया के दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। अगर पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो आप घर पर ही गंगा जल का मिश्रित पानी से स्नान करें। इसके बाद लाल रंग के वस्त्र पहन लें। अब एक चौकी को गंगा जल से शुद्ध करके लाल रंग का आसन बिछाएं। चौकी पर एक तरफ जल से भरा हुआ कलश रखें। कलश में गंगा जल, सुपारी, हल्दी, चावल और 1 रुपए का सिक्का डालें और उसके मुंह पर कलावा बांधें। कलश में आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर मौली बांधकर नारियल रख दें। इसके बाद चौकी पर माता गौरा और भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अब घी के दीपक जलाएं। हाथों में फूल और पूजा की सुपारी लें और व्रत का संकल्प करने के पश्चात उसे अर्पित कर दें। इसके बाद मिट्टी या फिर बेसन से 6 गौर बनाएं और इन पर हल्दी और कुमकुम लगाएं। माता गौरी को सिंदूर, अक्षत, पुष्प अर्पित करके थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। इसके बाद माता गौरी और भगवान शिव को फल, मिष्ठान आदि चीजों का भोग अर्पित करें। एक कागज लेकर उसके ऊपर 16 मेहंदी, 16 कुमकुम और 16 काजल की बिंदी लगाएं और माता को अर्पित कर दें। पूजा पूर्ण होने के बाद एक कटोरी में जल और दूध, एक सिक्का, कौड़ी और सुपारी डालकर उसे अपने हाथ में रखकर माता गौरी की कथा सुनें। कथा पूर्ण होने पर कटोरी को माता गौरी के समक्ष रख दें और उनसे अखंड सौभाग्यवती की प्रार्थना करें। पूजा के बाद अर्पित किया गया प्रसाद लोगों में बांटें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।